नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। चार दिवसीय बिहार का महापर्व छठ आज संपन्न हो चुका है। उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ साथ ये पर्व समाप्त हो गया। जगह जगह पटना में पूजा पंडाल लगे हुए हैं। भगवान भास्कर की जो प्रतिमा है उसे स्थापित की गई है। लोग पूजा अर्चना में लीन थे, लेकिन इस बीच एक ऐसी तस्वीर हमारे सामने निकल के आई जो अब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस वक्त हम खड़े हैं कुम्हरार में, कुम्हरार पार्क के पास। ये तस्वीर जो आप हमारे पीछे भी देख रहे होंगे और एक तरफ स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, किस तरीके से गरीबों का मसीहा पप्पू यादव को बताया गया है और मूर्ति बैठा दी गई है पप्पू यादव के नाम की। किस तरीके से तस्वीर देख रहे होंगे, जिस तरीके से उन्होंने पूरे पटना में जल जमाव के वक्त दूध, खाना, पानी, लोगों के लिए दवाइयाँ बांटी हैं घूम घूम कर। कहीं ना कहीं लोग जो हैं उनसे प्रसन्न हैं और उनकी मूर्ति बैठा दी गई है। भगवान भास्कर के थोड़े से आगे चलकर अगर हम देख रहे हैं तो ये मूर्ति स्थापित की गई है। छठ महापर्व पर ये मूर्ति अपने आप में एक जलवा बिखेर रही है। जितने पटनावासी हैं वो इस मूर्ति को देखने आ रहे हैं दूर दूर से, और कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने जैसे जैसे काम किया है पटना में, लोग भी उनसे प्रसन्न हैं। और एक तरफ कुम्हरार के विधायक की तस्वीर लगाई गई है, मूर्ति बनाई गई है जिसमें डेंगू का प्रकोप दिखाया गया है। ये बताया गया है कि वो बोल रहे हैं कि मैं कुम्हरार का विधायक हूँ, मुझे मत काटो। जिससे कि सबको पता होगा पटना के सभी विधायकों को डेंगू हो चुका था, तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद से ये अद्भुत तस्वीर जो है, अद्भुत मूर्ति कह सकें, पटना की सड़कों पर नज़र आ रही है। इस वक्त हम कुम्हरार में खड़े हैं और कुम्हरार में पप्पू यादव का जो ये जलवा है वो देखने बन रहा है। पप्पू यादव की मूर्ति लगा दी गई है। जरा इन तस्वीरों को देखिए क्या कुछ कह रही हैं ये तस्वीरें। जो छठ पूजा समिति का आयोजन किया गया है, जिसकी तस्वीरें अभी आपने देखी हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। अच्छा, पूजा समिति इस बार हुई काफ़ी धूमधाम से हाँ, चहल पहल। ये जो मूर्ति आपने लगवाया है पप्पू यादव का, इसका अर्थ क्या है? पटना में बाढ़ आया था ना, बाढ़ राहत में बहुत आदमी को पानी के लिए तरस रहे थे, खाने पीने के लिए। फिर सिर्फ यही बात है पटना में, तो यही पाते ना, सिर्फ यही बात है। हाँ, तो आपको लगा कि इनका मूर्ति बैठाना चाहिए? हाँ, मूर्ति बैठाना। लोग बहुत जुट रहे थे यहाँ पे? बहुत जुट रहे थे। अच्छा मैसेज गया है? मैसेज तो अच्छा गया, गरीबों का मसीहा। क्या सोचे आप लोग, क्या कुछ सोच कर ये मूर्ति लगा दी है? और अरुण सिन्हा का भी मूर्ति लगाए हैं कि उनको डेंगू से बच रहे हैं। डेंगू से ट्रस्ट है कुम्हरार विधानसभा, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं? नहीं, ध्यान नहीं देते। देखिए आरोप अभी भी लग रहे हैं और भी जो यहाँ पर लोग हैं पूजा समिति के, उनसे बात होते हैं। अच्छा, क्या कुछ सोच कर आपने ये मूर्ति लगाया? हमने देखा कि जब पूरे पटना त्रस्त था, पानी के लिए लोग छछन रहे थे, खाना के लिए तड़प रहे थे, बच्चे तड़प रहे थे दूध के लिए, उस समय माननीय सांसद पप्पू यादव जी ने, अब तो पूर्व सांसद, अब सांसद भी नहीं है, हमारे लिए तो वो मसीहा हैं, सबसे बड़ी मसीहा हैं। सांसद रहे या न रहे हमारे लिए मसीहा हैं। हमारे लिए जैसे भगवान मंदिर में बैठते हैं, आज के डेट में पप्पू यादव हम लोग के लिए भगवान हुए। इसलिए सूर्य भगवान के बगल में आपने इनको बैठा दिया जी, जो साक्षात दिख रहे हैं एकदम। हम लोग ने सोचा कि भगवान जिस प्रकार से बच्चों का सेवा करते हैं, उस प्रकार से हमारे सांसद महोदय ने सेवा किया पटना के जनता को, तो वो हमारे लिए भगवान हुए, हमारे लिए देवता हुए। देखिए, जो लोगों की मदद करते हैं, समर्थ को नहीं दोष गुसाएं, उसे समाज का रथ मिलता ही है। और बड़ी बात यह है, कहीं ना कहीं समाज का जो सपोर्ट है वो पप्पू यादव को मिल रहा है, और इसलिए मूर्ति बना दी गई है। खास करके कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में जहां से अरुण सिन्हा विधायक हैं, वहां पर बीजेपी का कब्जा है और वहां पर अब पप्पू यादव की मूर्ति जो है वो बनकर तैयार है। लोगों का आकर्षण खींच रही है। क्या ये आकर्षण अगले साल 2020 तक बना रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।